नाज़रीन, आज अपने शो में हमने दावत दी है एक रिक्शा ड्राइवर को। हमारे साथ मौजूद हैं बिल्ला ड्राइवर। मैं वैसे माफी चाहता हूं, आपने पहली बात ही गलत कर दी है। क्या हो गया? आपने मुझे कहा था कि आपकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, आपको ड्राइवर नहीं कहा जाएगा। तो आप ड्राइवर ही है ना भाई जी, पायलट कह दें, आपकी कुछ जबान सड़ती है, ये थकती है। पायलट कैसे कह दूं आपको, पायलट तो जहाज का होता है। आहो जी, तो वो कौन सा ऐसा को तीर चला रहा होता है, ना सज्जे टांगा ना खब्बे बस, स्यापा तो हमें बड़ा होता है जो इतनी ट्रैफिक के अंदर से रक्षा लेके निकल जाते हैं। ना उसे पीछे से कोई आवाज लगा रहा होता है, और परे मारा मामा, ना को ऐसी बात होती है कोई जहाज कभी टोए में लगा हो या पीछे से सवारी ने उसको ठाप मार दी हो। सही तो हम पायलट हैं, सब कुछ बर्दाश्त करके फिर अपना तैयारा लेके जा रहे होते। अच्छा चले, मैं अपनी तसी कर लेता हूँ। नाजरीन, हमारे साथ हैं जनाब बिल्ला पायलट साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। खैर, ये क्या कर रहे हो जनाब? इंटरव्यू का सफर शुरू होने लगा है, सवारियां बैठ गई हैं, शीशा तो सेट कर ले। अच्छा, गुस्से में ही आ गए हो, कुछ सलाम दुआ तो कर लो हमारे साथ। कर लेते हैं जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। जख्मी निगाहों का मस्त निगाहों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये तुम क्या कर रहे हो? ये जनाब पिछली सवारी की तरफ शीशा सेट करना पड़ता है। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछें। ये पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए तो चलें ठीक है, लेकिन ये अपने सवारियों पे क्यों सेट किया होता है शीशा? ऐवें जिंदगी सेट करने के लिए। अब मेरा मतलब है सवारी से बात करने के लिए। अच्छा। पिछली सवारी ने हमें बताना होता है कि सज्जे अगो खब्बे अगो सज्जे, तो फिर शीशे में देखेंगे तो पता चलेगा ना सज्जा खब्बा किधर है। अच्छा बिल्ला जी, ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि रिक्शे में बैठना ऐसी है जैसे मौत के मुंह में बैठना है। ऐवें रंग बाजी। अब हमें भी तो देखे ना, गो के रक्षे वाले ने फरमाया है रक्षा ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच गए तो सेंट्रल जेल है। ये भी तो देखे ना। तो ना इतनी तेज चलाया करे ना आप लोग। साथ वाली ट्रैफिक इतनी स्लो चल रही होती है, उसकी वजह से लग रहा होता है कि हम बड़ी तेज जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आप मोड़ भी बहुत खतरनाक तरीके से काटते हैं। ऐ रंग बाजी, एक सवारी ने भी मुझे एक दफा कहा था कि बिल्ले तुम बहुत तेज मोड़ मोड़ते हो, डर लगना शुरू हो जाता है। ओ मैंने कहा डर किस बात का, तुम भी आंखें बंद कर लिया करो। तुम भी क्या मतलब, आप भी आंखें बंद कर लेते? ओ जी आंखें बंद ना करे तो मोर मोरता ही नहीं रख से। आंखें क्यों बंद कर लेते हो? ओ जी जान किसको नहीं प्यारी। आंखें बंद करके जान बच जाती। आज ही दिहाड़ी में कोई एक मोर तो नहीं ना मोरना होता, डर डर से जीने से अच्छा है बंदा आंखें ही बंद कर। अच्छा बिल्ला जी, एक इल्जाम ये भी है आप लोगों पे कि आप रिक्शा में बहुत ज्यादा सवारियां ठोस लेते हो। ओ नहीं जनाब, जब ज्यादा सवारियां बैठती हैं रिक्शा बड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला ने रिक्शे को ये तौफीक दी हुई है कि वो जितनी सवारियां हो उतना बड़ा हो जाए। और लेकिन फिर भी यार, चार चार पांच पांच सवारियां, दो दो तीन तीन बच्चे साथ। और सरकार इस पे तो आपको रक्षे वालों को शुक्रिया कहना चाहिए, हम बच्चे फ्री लेके जाते हैं। एक दफा एक सवारी मुझे मिली, छह बच्चे उसके साथ साथ, तीन बंदे वो खुद। कहते हैं भाई जी क्या लोग जाने का, मैंने कहा जी तीन सवारियां को बात नहीं, 300 दे देना बच्चे फ्री। वो मुझसे भी ज्यादा चलाक निकला, कहता है बिल्ले तुम बच्चे लेके निकलो, हम तीनों फिर मोटरसाइकिल भी आते। अब बिल्ला जबान दे बैठा हुआ था, लेके जाना पड़ा जी। खैर हो वे हंसे ना बीबी जी, इतना फिर ध्यान शीशे की तरफ जाता है, आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इतनी इतनी सवारियां ठोसने के अलावा ऊपर से झटके इतने लगते हैं यार। ऐवे रंग बाजी। ओ जनाब रक्षे के झटके तो नसीबों वालों को मिलते हैं, अब तो इसमें गाने बनने शुरू हो गए हैं, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। ये बादलेर ने मारे लिए तो गाया। यार आप लोग सवारियों के साथ बदतमीजी भी बहुत करते हो। ऐवे रंग बाजी, सवारियां कौन सा हमें डॉक्टर साहब कहती हैं, हर दूसरा बंदा तो मजाक कर रहा होता है। ये भी आपके स्टूडियो की तरफ आ रहा था, एक बंदा मुझे कहता भाई स्टेशन पे जाना है, मैंने कहा हाँ जी, तो कहता जाओ। ऐवे रंग बाजी, बड़ा बड़ा रंग बात करता है जी हमें। एक बंदे को मैंने ले आ रही का 200 रुपया बताया, कहता 200 रुपया ले आ रही का, कहता 100 ले लो, मैंने कहा 100 में कौन लेके जाता है ले आ रही, कहता तुम पीछे बैठो मैं ले जाता हूँ। अच्छा बिल्ले, रोज के कितने पैसे कमा लेते हो? रोजाना जनाब 50 कम, कभी 150 बन जाता है, कभी 50 कम पौने 200 बन जाता है। 50 कम क्या मतलब? 50 पुलिस को देने पड़ते हैं। पुलिस को? है भी रंग बाजी जनाब, ये रुपया चलता है तो पहिया चलता है।
ऐवें नहीं कहोगे रिक्शे वाले ने कहा ना कोई धंधा ना कोई काम नहीं सबाम ट्रैफिक जाम। अच्छा तुम्हारे अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखा हुआ है? जा नहीं जा बिल्ला मेरा। पहले मैंने लिखा था रक्षे पे मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, छह सात साल गुजर गए बड़ा ही नहीं हुआ, मैंने कहा रंगबाजी मिटा दिया। अच्छा तुम्हें बिल्ले रिक्शा चलाना कैसा लगता है? रंगबाजी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, आपको क्या कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। खैर हो यहीं उतरना है जी।